सरकार है, जो जनप्रतिनिधि है, वो निकलकर जब हम देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी है और जरूरत बहुत ज्यादा है लोगों को ध्यान देने की कि जो जरूरतमंद लोग हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, वो सुविधाएं जो मिल जानी चाहिए लोगों को। देखिए डॉक्टर साहिबा, मैं बता देता हूँ आपको कि ये बूस्टर वार जो है मैं उचित नहीं मानता और ये कहीं ना कहीं तुच्छ और क्षुद्र राजनीति से अभिप्रेरित होता है। आप देखिए, कुछ दिन पहले मानी अगर साध्वी जी की बात कर लें तो मानी साध्वी जी ने कहा था कि वो अस्वस्थ हैं और वो अस्वस्थ गंभीर रूप से अस्वस्थ है और अभी हमारे मित्र हैं राम भाई, राम जी, उन्होंने खुद भी कहा कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है पहले से। तो ये स्वास्थ्य सही बात है, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन आप देखिए कि ये जो उनकी स्वास्थ्यगत पीड़ाएं हैं, जिस तरीके से उनको जब टॉर्चर किया गया था और उसके कारण से कांग्रेस की सरकारों ने किया था और अभी भी उनका व्यक्तिगत उनका ट्वीट भी 15 मई के दिन उन्होंने ट्वीट भी किया था कि जिस तरीके से जो कांग्रेस कर रही है, क्षुद्र राजनीति कर रही है, वो अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटलाइज हैं और इस कारण से ये नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि सारे 28 सांसदों में आप देखिए, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, माननीय वी डी शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और सभी जगह सब वो कर रहे हैं। आज भी वो कटनी पहुंचे हुए हैं और वहां पर भी लोगों से पीड़ितों का हाल जान रहे हैं और पूरे प्रदेश का सभी सांसद हर जगह काम कर रहे हैं। हाँ, अगर जैसे अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, ऐसा तो आप देखिए माननीय सोनिया गांधी जी भी हैं, रायबरेली से सांसद हैं। मैं हमारे मित्रों से पूछना चाहता हूं कि वो कितनी बार रायबरेली गई हुई हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक सत्यन जी, मध्य प्रदेश पर आ जाते हैं, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स पर हम बात कर लें। जिस तरह अगर पोस्टर वॉर की अगर हम बात करें कि जिस तरह आपने भी कहा, डॉक्टर राम पांडे ने भी ये बात कही कि ये सही समय नहीं है, ये राजनीति जो की जा रही है वो सही नहीं है, इसको हम मान लेते हैं क्योंकि किया दोनों ही तरफ से जा रहा है, कौन कर रहा है इसको भी हम समझ रहे हैं, पर क्या ऐसे समय पर इस पर रोक नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए? लेकिन अभी रोक तो मैडम मुझे बताइए, रोक तो राजनीतिक दल ये जो लोग ही कर रहे हैं। मैं तो साफ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के मित्रों का षड्यंत्र है, इस तरीके की पहले वो कांग्रेस के नेताओं ने ये लगाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ चल तो यही रहा है, तू एक चाल चल फिर मैं दूसरी चाल चलूँ, फिर तू एक चाल चल फिर मैं दूसरी चाल चलूँ, ये आला हिसाब है। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे महामारी है कोरोना की, इस पर ध्यान कम, उपचुनाव और मंत्रिमंडल, इन सब चीजों पर सभी पार्टियों का, दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो उनका ध्यान दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय पर क्या लगता है, इन चीजों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उन चीजों पर जो मुद्दे मध्य प्रदेश की जनता के लिए अभी बेहद जरूरी? बिल्कुल, मैं तो एक बात अभी आपके चैनल के माध्यम से ही और आपके दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग इस तरीके की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और देखिए कि हमें जो है वर्ल्ड पेंडेमिक है, कोई कोरोना कोई मध्य प्रदेश के अंदर अकेला नहीं है, कोई भारत देश के अंदर भी, सारे राज्यों में, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो वहां पर भी, वो चाहे मध्य प्रदेश में या कोई सारे राज्य देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, सभी राज्यों की बात कर रहा हूँ, चाहे पश्चिम बंगाल देख लीजिए, चाहे यूपी एमपी देख लीजिए। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, ये समय जो है हम सबको मिलकर के, कोरोना एक अज्ञात शत्रु है जो कि अभी कुछ 4 महीने 3 महीने पहले ही वो जनित हुआ है और उसके बारे में ज्यादा कुछ जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इंडियन मेडिकल एम्स ICMR है, उसको किसी को भी ज्यादा नहीं पता है किस तरीके से उसको जाना है, जितना पता है उनका, तो उस तरीके से हमें मिलकर के हम सब राजनीतिक दलों का कर्तव्य बन जाता है कि हमें देश की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को, दूसरे देश की जनता और दुनिया की जनता को किस तरीके से हम विश्व कल्याण, उनकी सुरक्षा हो सके, हमें उसके लिए एकमत होना चाहिए। और खास करके मध्य प्रदेश के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो मध्य प्रदेश में भी सभी को एकमत होकर के ये करना चाहिए। आप देखिए कमलनाथ जी का जिस तरीके से आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश, जैसे कि कोरोना सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ही फैल रहा हो, उन्होंने बोला कि अरे भैया महाराष्ट्र भी है। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे राज्य भी है, तनिक आपके राज्य भी है जहाँ आपकी सरकार है, क्या कहेंगे, वहां पर भी फैल रहा है। मैं चाहता हूँ कि अपन सब मिलकर के इस कोरोना जो शत्रु आया है वो
उससे मिलकर के लड़े, लड़ाई करें, जनता बिल्कुल को जो है, बिल्कुल देशी जनता को क्या कहेंगे डॉक्टर राम पांडे। सुरक्षित रखें। सत्येन जी का कहना है कि इस समय कोई